बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, एक्सरसाइज 4.1, क्लास 9, अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की सिंपलीफिकेशन। अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, डेफिनेटली द फ्रैक्शनल फॉर्म्स, एलसीएम, एलसीएम। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसे बहुत ज्यादा आसान करते जा रहे हैं और हम सीखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फिफ्थ, पार्ट है 4। इसमें आप देखिएगा फ्रैक्शंस, नंबर ऑफ फ्रैक्शन भी बढ़ गए। x ओवर x माइनस y, माइनस y ओवर x प्लस y, माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसको आपने सिंपलीफाई कर। अब सिंपलीफिकेशंस में अगर रैशनल एक्सप्रेशंस है तो डेफिनेटली आपने एलसीएम की तरफ जाना है। एलसीएम का असूल जो है वो टाइप 1 2 हम पहले भी डिस्कस कर चुके। अब जो कॉमन एलसीएम लेने का जो रूल्स हैं और उसको डेफिनेटली आपने फॉलो करना है और चेक करना है कि हम, मैं समझा रहा हूं, समझा सकता हूं या समझाना या आपको समझ आ गई, इन तमाम चीजों को सामने रखना। पहली फ्रैक्शन है x ओवर x माइनस y, डिनोमिनेटर x माइनस y। सेकंड फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर x प्लस y और x माइनस y और x प्लस y। तो इसमें एलसीएम में हमने देखना है कि कॉमन जो है उसे सिर्फ आपने वन टाइम लेना होता है। ऐसे ही है ना, एलसीएम क्या आएगा, x माइनस y एंड x प्लस y। गुड, x माइनस y और x प्लस y को एज ए कॉमन ट्रीट करें और उसे एज एलसीएम में आएंगे तो एक लंबा सा आपने डिविडेंस बार लगानी है। ये आ गया x माइनस y इंटू x प्लस y। अब इसे डिडक्ट करें, डिवाइड करें, x माइनस y से कैंसिल हो गया ये दोनों, x और x प्लस y आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन आया x प्लस, ये सिंप्लीफिकेशन आ गया। सेकेंड फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ उसका डिनोमिनेटर डिवाइड करें तो आइडेंटिकल x प्लस y, x माइनस y को y से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी हो गया माइनस, दोनों इनसे सिंप्लीफाई हो गए, डिवाइड हो गया, वन आया, वन को हमने टू एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया। ये लेना, पहला ओखा काम तो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, वाई को मल्टीप्लाई करें और साथ ये भी देखिएगा कि इसका जो नेगेटिव साइन है वो क्या करेगा, इसके साइन चेंज कर देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स को फिर अरेंज कर लें, एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई होल ओवर एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ये मल्टीप्लिकेशन भी आ गई। अब देखें कोई लाइकवाइज टर्म हो और एडिटिव इनवर्स रखती हो तो कैंसिल कर देते हैं, x प्लस y कोफिशिएंट 1, x माइनस y कोफिशिएंट 1 और एडिटिव इनवर्स भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। हाँ, ये रिमेनिंग क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy होल ओवर x माइनस y, इनको नहीं मैं अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, x प्लस y आ गया, इज अ वेल नोन आइडेंटिटी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर याद है क्या है भला, x स्क्वायर यस माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, इसके फैक्टर्स हैं x माइनस y होल स्क्वायर या 2 टाइम x माइनस y आप लिख सकते हो, यानी कि ये भी है और x माइनस y इनटू x माइनस y, तो लिखते हैं यहां x माइनस y स्क्वायर इनटू x माइनस y इनटू x प्लस y। अब x माइनस y होल स्क्वायर 2 टाइम यूज हो रहा है तो इसका मतलब है क्यों ना इसे इसकी एक पावर जो है वो इससे कैंसिल कर दी जाए। जो फ्रैक्शंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास आए x माइनस वाई और x
y, इसको हमने जी बंद कर दीजिएगा और ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आ गई। क्लियर हो गया जनाब पहला। अब आ जाइए जरा सेकंड की तरफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पार्ट फिफ्थ। लाइक हम छोड़े पीछे है ना, लाइक हम कर लेंगे, करें साथ साथ पढ़ लें, सीख रहे हैं, प्लीज चाय भी पीते जाए, पेप्सी की पिज्जा जो भी आप लोग खाते हो खाते जाए, जो भी टाइम आपके साथ है, स्टॉप करना है स्टॉप करने, भाई देखे कोई याद नहीं रहा, ये नहीं है खेलने का मूड हो रहा, फिर दोबारा से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ एक अच्छा पार्ट मैं इसे कह रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन आ रही है, वो कह रहे हैं शायद आप लोग, मुझे भी उम्मीद है कि आप एक्सपर्ट होते जा रहे हो। एक्स माइनस टू कोई इसके फैक्टर्स नहीं बनने, एक्स प्लस टू के कोई फैक्टर नहीं बनने, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, इसको देखें, इसके फैक्टर्स के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। अगर आप ये देखिएगा कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये किसी ना किसी का स्केयर होगा, ये सेल्फ स्केयरिंग, तो एक्स ये स्केयर बन गया और ये नाइन जो है वो थ्री स्केयर बन गया। यहां तक आप कर लोगे गुड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के साइन हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब जो मिडल टर्म है वो इन दोनों टर्म्स का ट्वाइस होना चाहिए, होना क्या चाहिए, हो लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले में यहां देखें जो मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में बता चुका 2xy, तो ये वाला 2 जो एज अ कांस्टेंट हम ले आए, ये x हो गया और ये 3 हो गया, ये आप लिख लें, कुछ नहीं करना और बस फर्स्ट और लास्ट स्केयर कर लें अगर है तो सेल्फ स्केयरिंग, और फिर क्या करना उनका ट्वाइस, ये रिप्रेजेंट करता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अब क्या करोगे आप, इसका आपने x ले लेना, इसका आपने साइन प्लस ले लेना, इसका आपने थ्री ले लेना, ये अब मैं करूंगा क्या, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या करोगे, जो आपकी मिडल टर्म आए उसको आप मैच करो इसकी मिडल टर्म के साथ, अगर वो ही आए तो। अब देखो 2, 3, 6, 6x है और ये 6x मौजूद है, अगर ऐसा हो तो आपने ये नेक्स्ट स्टेप करना है, तो ये बनता है x प्लस 3 इज अ होल स्केयर। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहां लिखूं ए स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, बिल्कुल इसी तरह मैं x और y, एक्स वाई या ए बी में आप लोग ही कंफ्यूज होते हो, ये फर्स्ट ए स्केयर ये लास्ट स्केयर, मिडल टर्म जो है इनका डबल, ये देख लो, तो आप क्या करते हो इसका a लेते हो इसका प्लस लेते हो और इसका b लेते हो, तो ये a प्लस b होल स्केयर बनता है ना, हाँ तो फिर यहां भी ऐसे ही होना चाहिए, तो ये x प्लस 3 होल स्केयर बन गया। ठीक है, अब आ जाए सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में 2 कॉमन आ रहा है तो यहां x स्केयर माइनस 9 आएगा। क्लियर, चलो आगे चले जनाब, x माइनस 2 और दिस वन ठीक है, वही मैं बगैर कुछ बताया हुए ट्वाइस इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये प्लस को हम दरमियान में ले आते हैं, ये आ गया माइनस एक्स प्लस 2 कॉमन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9, 2 कॉमन होंगे तो 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 9 आएगा, यहां तक कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट x माइनस 2 डिविजन्स है इसका x एज ए रूल दिस वन एज रीजन प्लस 3 होल स्केयर माइनस x प्लस 2 over 2 into a square minus b square, ये तो आसान है 3 square बनता है a square minus b square a minus b a plus b yes x minus 3 x plus 3, ये यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने लेना इसका क्या LCM, yes LCM लेंगे हम लोग,
एलसीएम क्या आएगा, देखो जो कॉमन है x प्लस थ्री, ये कॉमन आ गया। अब उससे जो कॉमन की ग्रेटेस्ट पावर है x प्लस थ्री स्केयर इंटू टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तमाम के तमाम आपने इसको एज ए एलसीएम ट्रीट करना है। फिर मैं साथ साथ लिखता जाए और साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूं और आपको बताता जाऊंगा। टू और x माइनस थ्री, ये जनाब कॉमन नहीं है एलसीएम में आ गए। अब जो कॉमन है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपने लेनी होती है x प्लस थ्री स्क्वायर, ये नहीं, ये हो गया, ये एलसीएम का आसान हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, x प्लस थ्री स्केयर ये कैंसिल हो गए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा टू इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस टू, सिंप्लीफिकेशन में गया एक्स माइनस थ्री भी गया, एक्स प्लस थ्री का एक पावर गया एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, ये आ गया। ये देखें टू इससे x माइनस थ्री इससे कैंसिल हो गया, इसकी टू पावर एक पावर से कैंसिल होगी, x प्लस थ्री न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अब जनाब ये वो वाला स्टेप है जो हमने यहीं कैप्चर कर लिया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई और फिर देखें क्या आंसर आता है। टू एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस टू मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ये फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री टू द सिक्स, ब्रैकेट में लिखें डिनोमिनेटर्स को वैसे का वैसे टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। जहां तक हम अभी तक पहुंचे, टू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस से साइन चेंज करूंगा, देख लीजिएगा आपके पास व्यू क्लियर है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, माइनस से साइन चेंज करें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, दैट्स नेक्स्ट डिनोमिनेटर में टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री स्क्वायर। अब इसकी कब वक्ती आने वाली है, देखिए क्या क्या चीज किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है, टू एक्स स्क्वायर और लाइकवाइज टर्म एक्स स्क्वायर आ गया, इसे हम इस साइड पे ले आते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। देखें टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन टू एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट पे है माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टेन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस यस फिफ्टीन हो गया, गुड। नेक्स्ट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस सिक्स हो गया, ऑल ओवर टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। अब आप देखें इसके मजीद तो जो है और तो नहीं इसके फैक्टर बन रहे, सिक्स की मिड टर्म ब्रेकिंग, चूंकि मिड टर्म ब्रेकिंग अभी हमें सीखी नहीं है, नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस में आ रहा है, तो बस है अच्छा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, तो नहीं मैं कह सकते, बस दिस वन इज योर आंसर, कुछ भी नहीं जाना, लेकिन ये क्वेश्चंस को आपने लाजमी करना है, प्रीवियस भी है, ये भी है, लाइक भी करना है, पढ़ना है, लिखना है, और स्ट्रेट टच। अल्लाह हाफिज।